वेलकम बैक टू दी चैनल शर्मिला मेहता ब्लॉग्स। तो आज है फ्रेंड 24 दिसंबर और दिन है आज फ्राइडे और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मैं अभी नहा चुकी हूँ, पूजा वगैरह हो गया है मेरा और अभी देखिए मैं यहाँ सब्जी बना रही हूँ मटर आलू का। तो आप फिर बोलेंगे कि दीदी आप बहुत ज़्यादा आलू बनाते हैं, तो क्या करूँ, आलू मेरे घर में बहुत पसंद है सभी को। अगर मैं आलू नहीं बनाऊँ तो फिर रोहन, रिया या फिर मेरे हस्बैंड मतलब आलू पसंद करते हैं फ्रेंड, इसीलिए मुझे हर सब्जी में आलू मिक्स करना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा समझिएगा, सबका अलग अलग होता है घर का खाने पीने का रूटीन। और यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड हैं साथ में, मतलब चूल्हे के पास वो भी बैठे हुए थे, तो वही आलू फोड़ के डाल रहे हैं सब्जी में और मैं इधर भून रही थी। और ठंड के मौसम में होता है कि सब जगह मतलब कि चूल्हा जलता है तो एक जगह बैठ के सबको ही रहते हैं हम लोग, तो वहाँ पे बैठे बैठे सबको मेरा हेल्प भी कर देते हैं साथ के साथ, तो वही काम मेरे हस्बैंड भी कर रहे थे। तो अभी आलू छीलना भी उन्हीं का था, मेरी सास का, और आलू फोड़ के डालना भी उन्हीं का था, और बाकी का प्रोसेस मैं की थी। तो जब तक मैं पूजा कर रही थी तब तक उन्होंने आलू छील दिया था, आलू उबाल के रख दी थी मैं। और यहाँ देखिए मटर आलू की सब्ज़ी मैं नाश्ते के लिए बना रही हूँ, उसके साथ मैं रोटी बनाऊँगी। और अभी मॉर्निंग का समय हो रहा है फ्रेंड। और कल जो मैं डाली थी दही जमने के लिए वो मैं अभी देखी नहीं थी, भूल गई थी देखने के लिए, पूरा ओवरनाइट ये रखा हुआ रह गया था और ठंड जगह पर रख दी थी मैं सोची कि बाद में रखूँगी लेकिन भूल गई थी, इसको गर्म जगह में रखना चाहिए था। फिर भी अच्छे से मतलब ठीक ठाक ही था, उतना भी नहीं था कि नहीं जमा है, जम गया था दही। तो देखिए अभी मैं आपके सामने देखती हूँ, तो देखिए अभी और भी अच्छे से ये जम जाता अगर मैं इसको अच्छे से कवर करके गर्म जगह पे रखती। मैं ऐसे ही रख दी थी यहाँ बर्तन वाला स्टैंड पर, तो फिर भी ठीक है। देखिए यहाँ रोहन का फ्रेंड आ गया है, अभी सुबह होता है और ये तुम कल बनेगा सांता क्लॉज? हाँ। बोलो बोलो। कल मैं सांता क्लॉज बनूंगा। साउंड कम करो टीवी का। फिर सबको केक खिलाऊंगा। अरे हमको खिलाएगा केक? खिलाएंगे। और तुमको ठंडा नहीं लग रहा? ना, नहा ली गर्म पानी से। नहा लिया? वाह। देखिए ये रिसु है जो हमेशा आप देखते हैं मेरे ब्लॉग में, और कल बनेगा ये सांता क्लॉज, सबको केक खिलाएगा। सबको खिलाएगा ना, मेरे घर में भी केक लेकर आएगा। ठीक है, अब स्वेटर पहन लो। और यहाँ देखिए मैं बच्चों को डांट रही थी, दोनों का बहुत झगड़ा होता है फ्रेंड, रिया और रोहन 5 साल का दोनों छोटा बड़ा है, फिर भी दोनों में बहुत झगड़ा होता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। आप लोगों के घर में भी होता होगा या नहीं होता है कमेंट करिएगा, मेरे दोनों बच्चे बहुत झगड़ा करते हैं। और इस ब्लैंकेट का तो पता नहीं, हमेशा इसको देखिएगा तो कभी दाएँ बाएँ, कभी अपने जगह पर रहता ही नहीं है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहन मेहता। और यहाँ देखें आप रोहन का शरारती कैमरा दिखाने के अपना स्टार्ट हो जाता है, इसका डांस और इसका मतलब कि स्पीच। और देखिए अभी कैमरे के सामने उसको मैं म्यूट कर दी क्योंकि बहुत कुछ भी बोल देता है कैमरे के सामने, इसीलिए मैं म्यूट कर देती हूँ। और इसमें से रोहन का ही गलती हमेशा ही रहता है, रिया को मतलब कि परेशान करते रहता है, तो क्या करूं, फिर भी सपोर्ट तो दोनों बच्चे को ही करना होता है। देखिए रोहन का बदमाशी, इतना बड़ा होकर गोद में आता है, अरे बाप रे अब हमसे नहीं तंग आ रहा। कितना पहना है पहले देखिए, एक स्वेटर, देखिए पीछे देखिए दो स्वेटर और ये टी शर्ट है। तो फ्रेंड मैं आपसे बहुत देर के बाद मिल रही हूँ और यहाँ देखिए मेरा ये सिलाई खुल गया है, आप लोग देख रहे होंगे, तो इसको मैं आज सिल लूंगी। और अभी इवनिंग का समय हो रहा था फ्रेंड, 3 बज रहा था लगभग, और अभी मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ। ये एक टॉप है, ये रेडीमेड है, इसी के जैसा मुझे एक मतलब सिलना है, सेम इसी के जैसा एकदम से ब्लैक कलर का, वही मैं आपको दिखा रही थी क्योंकि ये टॉप अभी बहुत ज़्यादा मैं मार्केट में देख रही हूँ। और ये देखिए ये कपड़ा है, ये 1 मीटर कपड़ा है, इसी का मुझे टॉप बनाना है, एकदम बिल्कुल सेम है जो मरून वाला टॉप देखे उसी के जैसा ये फैब्रिक है, वेलवेट कपड़ा का है। और ये इनर है जो मेरे दाहिने हाथ में, ये इनर है इसका,
देखिए इसका कटिंग कर ली हूँ, इसी को इनर लगाकर इसको बनाना है टॉप, इसी के जैसा, इसके जैसा। और इसको आप स्कर्ट के साथ, जींस के साथ किसी में भी पहन सकते हैं। और ये टॉप मुझे बहुत पसंद आया, मैं इसको देखी थी मार्केट में, लेकिन जब ये मेरे पास सिलने के लिए आया तो मैं सोची कि इसका कपड़ा भी आने लगा है, तो मैं एक ये लूँगी ज़रूर अपने, मतलब एक ब्लाउज बनाने के लिए। और उसके बाद देखिए इवनिंग का समय हो रहा है और अभी मॉर्निंग में मैं नहीं आ पा रही हूँ ठंड के वजह से, तो आज बच्चों का ट्यूशन छुट्टी था तो मैं सोची लेकर जाती हूँ ग्राउंड में टहलने के लिए, तो वही इवनिंग के समय में लेकर आई हूँ बच्चों को। थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा टहलना भी चाहिए, घर का काम करते करते बोर भी लगने लगता है थोड़ा, तो इसीलिए मैं सोची कि चलो बच्चों को लेकर जाती हूँ ग्राउंड में। और यहाँ देखिए कितना भीड़ है ग्राउंड में, सभी कोई आते हैं शाम के समय में या फिर मॉर्निंग के समय में खेलने के लिए, टहलने के लिए, कुछ भी है, मतलब कि अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा गर्मी भी लगने लगता है चलते चलते, तभी मैं सोची कि एक दो राउंड लगा लेती हूँ, मतलब वॉक करके, दौड़ना नहीं है। और ये ग्राउंड मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ पहले की वीडियो में, स्टार्टिंग में जब मैं मॉर्निंग के समय में आती थी उस समय बहुत बार दिखा चुकी हूँ, तो वही ग्राउंड है ये, बहुत ज़्यादा स्पेस में है ये फ्रेंड, बहुत बड़ा ग्राउंड है ये। तो फ्रेंड्स अभी इवनिंग का समय हो रहा है और देखिए मॉर्निंग में तो अभी नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि बहुत ठंड है, इसीलिए इवनिंग में ही आ जाती हूँ। तो अभी ग्राउंड में हूँ, देखिए पूरा ग्राउंड देखिए, और ये देखिए भाभी है, अब पीछे रिया है, ऊपर उसके पीछे देखिए रिया का सारा फ्रेंड लोग, इधर रोहन। तो देखिए कितना राउंड लगा सकती हूँ, ऊपर चढ़ रहा है सर, हाँ हाँ अभी नीचे आके राउंड लगा, इधर से निकल चढ़ गया, सुनो दीवार चढ़ने वाला है वहाँ पर, देखिए देखिए वहाँ वो सामने प्लास्टिक आगे, देखिए वहाँ पर चढ़ रहा हूँ, देखिए पेड़ दिख रहा है ऊपर, देखिए नीचे वो चढ़ रहा है, घास घास पर, घास पर है, जैसे ही हम लोग निकलने लगे थे उसी तरह एकदम बैक साइड में हम लोग, जिधर की सीढ़ी है लेकिन उधर कोई जाता आता नहीं है, वहाँ पर जाले लगे हुए हैं लोहे के, तो वहीं पर एक सांप देख लिए, तो मैं सोची थोड़ा कैमरा कर लेती हूँ क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं सांप को देखी हूँ, बहुत दिन के बाद, तो मैं सोची कैमरा कर ली थी थोड़ा सा, बहुत भयानक लग रहा था, पतला सांप था, ज़्यादा मोटा नहीं था लेकिन बहुत जहरीला लग रहा था, सब कोई वहाँ पर बातें कर रहे थे कि बहुत जहरीला सांप है ये। तो आज तो मैं छोटा इसलिए वीडियो भी बना रही हूँ फ्रेंड क्योंकि मेरे यहाँ पर लाइट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है अभी, बहुत ज़्यादा लाइट और नेटवर्क दो चीज़ बहुत परेशान कर रहा है। अब इतना ही छोटा वीडियो अपलोड करने के लिए मुझे अभी बहुत एक घंटा 10 मिनट 1.25 घंटा ऐसा ही लग जा रहा है, इसीलिए मैं ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ। और देखिए सांप जो दिख रहा है आपको, ये पतला वाला जो ऊपर जा रहा है ये सांप ही था। तो वीडियो को यहीं पर एंड कर देती हूँ फ्रेंड, मैं बहुत मतलब बड़ा भी बना सकती थी ब्लॉग लेकिन फिर अपलोड में बहुत प्रॉब्लम होगा, अभी इसी को मुझे अपलोड करने के लिए बाहर बैठ के करना होगा तभी जाकर ये अपलोड होगा 1 घंटे में। तो इसीलिए मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ इस ब्लॉग का, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।